कौमी एकजहती की इससे ज्यादा खूबसूरती की मिसाल क्या होगी कि सिराजुल आफाक साहब तशरीफ फरमा है, उनके बराबर में जनाब अविनाश सिंह विक्की जलवागर है। ये हमारे हिंदुस्तान की कौमी एकजहती है। एक बात मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहाँ गंगा अपने घाट नमाजियों को वजू करने के लिए खोल देती है, तो वही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर लंगर में दलिये का एहतमाम इसलिए किया जाता है कि उसे हर मजहब के लोग खा सकें। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। एक मिसाल और कि ये मुल्क हिंदुस्तान क्या, आप आजादी से पहले का इतिहास उठाकर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो सिपे सालार बनाया वो गौस खान को बनाया, और बादशाह अकबर ने अपना सिपे सालार बनाया वो मान सिंह को बनाया। ये इस बात की मिसाल है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों पर भरोसा है और जहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं पर भरोसा है, और जब तक ये भरोसा कायम रहेगा हमारे हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की तहजीब संस्कृति के लिए महफिल मुनक्किद की गई है, तो आइए इसका सबूत पेश करते हैं। और सबूत इस तरह से कि जहां आपने अभी कुछ उर्दू के अशार समाप्त किए, नातिया अशार से इस महफिल का आगाज हुआ, तो अब जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि इसमें सामाजिक समरसता का रस घोला जाए और एक हिंदी के ओज के हस्ताक्षर से मुलाकात की जाए, क्योंकि ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है। साहिब सद है कन्वीनर मुशायरा हमारे मेहमान ज़ीवकार खुसूसी कि ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहा दूरी बना रखी है, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। तो आइए दोस्तों जनाबे दिलीप कश्यप से मुलाकात करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने मुक्तक से, अपने गीत से हम सभी का नवाजें। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए, ओज का बहुत खूबसूरत काव्य पाठ करते हैं जनाबे दिलीप कश्यप। शब्द और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमन करता हूँ, मंच पर बैठे सभी जनों को एक साथ प्रणाम करता हूँ। आज की इस खूबसूरत महफिल में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मेरे परिचित भी हैं और मेरे दोस्त यार भी हैं। बड़ा ही अच्छा आयोजन है। पिछले वर्ष मैं इस आयोजन में था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। तमाम शिकायतें हुई कि पढ़ा क्यों नहीं, मैंने कहा मैं आयोजन समिति में हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। फैजल भाई इनका नहीं, अगली बार जरूर पढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनकी जिद मुझे यहाँ तक ले आई, उनकी मोहब्बत यहाँ तक ले आई। रईस भाई से मेरा गहरा नाता रहा है और मैंने उनके साथ पत्रकारिता सीखी, उन्होंने मुझे हाथ से कलम से लिखना सिखाया है। अमर उजाला में मैंने उनके साथ काम किया। मैं एक पेशे से पत्रकार भी हूँ। मेरे परिचय की पंक्तियां सुन लीजिए। दिलीप कश्यप कलमकार नाम है। मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना, एक कलमकार के लिए। मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना, कलमकार हूँ समाज में दर्पण का काम करता हूँ, कलमकार हूँ समाज में दर्पण का काम करता हूँ। ना ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, ना ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, समाज की सिसकी और चीतकार लिखता हूँ। हूँ बेदरा का स्वर कांटों में हूँ फला, सोलो पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ, सोलो पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ। और आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। देखो कैसे बदल रहा, देखो कैसे बदल रहा दुनिया का दस्तूर, माता पिता को छोड़कर बेटे हो रहे दूर, माता पिता को छोड़कर बेटे हो रहे दूर। कोई बंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, थोड़े पैसे के लिए। सर ध्यान दीजिए, थोड़े पैसे के लिए बेच दिया घरवार, थोड़े पैसे के लिए
बेच दिया घरवार। अम्मा देखो रो रही बापू है लाचार, अम्मा देखो रो रही बापू है लाचार, थोड़े पैसे के लिए बेच दिया घरवार। अम्मा देखो रो रही बापू है लाचार, अम्मा देखो रो रही बापू है लाचार। कई पेश किया दिलीप, कई परिवार ऐसे हैं जिनको शाम को काफी मेहनत करने के बाद भी खाना नसीब नहीं होता है, कभी उधारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। कैसा कैसा हमारा समाज है, हमारा देश है, ऐसे भी हालात देश में है। सॉरी जी जी, गरीबों के मुंह में जाता जो बेवसी का निवाला है, गरीबों के मुंह में जाता जो बेवसी का निवाला है। आफाक भाई, गरीबों के मुंह में जाता जो बेवसी का निवाला है, क्या किसी को दिया इन्होंने इस बात का हवाला है, करते हैं मेहनत। राजेश भैया को प्रणाम करता हूँ। गरीबों के मुंह में जाता जो बेवसी का निवाला है, गरीबों के मुंह में जाता जो बेवसी का निवाला है, क्या किसी को दिया इन्होंने इस बात का हवाला है, करते हैं मेहनत रातों दिन घरों को चलाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने इन्हें अपने घर से निकाला है, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने इन्हें अपने घर से निकाला है। और जख्मों को मेरे क्यों हवा देते हो, जख्मों को मेरे क्यों हवा देते हो। ये स्थितियां हमारे देश की हैं, उन बुजुर्गों की हैं जिनके दर्द को मैंने लिखने का प्रयास किया है। जख्मों को मेरे क्यों हवा देते हो, मरीज नहीं हो जो मुझे दवा देते हो। जख्मों को मेरे क्यों हवा देते हो, और मरीज नहीं हो जो मुझे दुआ देते हो, दवा देते हो। और मन ही मन करते होगे मेरे मरने की दुआ, और जीने की मुझको दुआ देते हो। मरने की मन ही मन करते होगे मरने की दुआ, और जीने की मुझको सलाह देते हो, और जीने की मुझको सलाह देते हो। कुछ पंक्तियां और हैं, मैं हालांकि वैलेंटाइन डे परसों था, एक लोगों ने पूछा भैया कुछ हुआ क्या। मैंने कहा भैया मैं उस विचारधारा का नहीं लिखता हूं, क्योंकि मेरी सोच मंच पे दूसरी होती है। असल में आप सरकार के साथ हैं। नहीं, अगर मैं पढ़ूंगा तो सरकार हम लोगों का कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। सुनिए, मंदिर और मदीने वाले, राजेश भैया आपके लिए ये शेर है। मंदिर और मदीने वाले, फक्कड़पन को जीने वाले, मैंने तुझसे ये सीखा है अमृत को कैसे बांटा जाता है। मैंने तुझसे ये सीखा है अमृत को कैसे बांटा जाता है। मैं देश के शहीदों, आपने अशफाकुल्ला जी की बात की जी, जी, जी। मैंने एक कविता भगत सिंह पे भी लिखी है, वो काफी लंबी, इसलिए उसे यहाँ पे प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। एक शेर हमारे देश के शहीद, हमारे देश में जो वीर जवान है या क्रांतिकारी है, वो कभी मरते नहीं है, वो अमर शहीद होते हैं। बेशक। पंक्तियां सुनिए, अभी पुलवामा आतंकी हमले की बरसी थी, तो उसमें सुनिए पंक्तियां कि देख देख झुक झुक करता प्रणाम नित, देख देख झुक झुक करता प्रणाम नित, मातृ भारती की वंदना जो भी है करते, और सरहद पर देश हित जो कटाते शीश, ऐसे लाल किसी काल से कहीं न डरते, मन में उमंग लिए जीत की तरंग लिए, प्राण त्याग भारती के लाल नहीं मरते, प्राण त्याग भारती के लाल नहीं मरते। बहुत 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 शुक्रिया।